हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। वेल, बात करते हैं टीवी सीरियल इमली की। तो शो के अपकमिंग ट्रैक में क्या कुछ खास दिखाया जाएगा, चलिए आपको बताते हैं। आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि इमली करण को कॉल करेगी यशी के घर पर आने के लिए और कहेगी कि हर कोई तुमसे मिलना चाहते हैं। करण कहेगा कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। इमली कहती है कि मैं शादी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रही हूँ फैमिली मेंबर्स के साथ। गोविंद चुटकी और अन्नपूर्णा हर कोई इमली के आइडिया से इम्प्रेस हैं और वो करण को इंसिस्ट करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर बुलाने के लिए। करण यहाँ पर कोशिश करता है इस सिचुएशन से भागने की और वो कहता है कि मैं दोबारा मिस्टेक रिपीट नहीं करूँगा जो अगस्त्या ने की है। बाद में करण इमली के पास आता है और कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुम मेरे साथ थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। हालांकि इमली कहती है कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है, मैंने तुम्हें चॉइस दी है कि या तो तुम बुलबुल यानी कि जो बुलबुल के बारे में सबको बता दो, या फिर अपने घर पर अपनी फेक गर्लफ्रेंड लाओ। इधर विश्वा इन्वेस्टिगेट करेगा कार को और तभी उसे एक मास्क मिलेगा और वो उसे साइड में एविडेंस के तौर पर रख देगा। तभी यहाँ पर जो नव्या है वो देखेगी मास्क के साथ में उसको और कहेगी कि तुमको इमली के पीछे जाना चाहिए था, लेकिन विश्वा कहता है कि मुझे मेरी ड्यूटी मत बताओ, मुझे पता है क्या करना है। तभी वो कहता है कि इमली की जो लाइफ है वो खतरे में है और वो सिर्फ एसोसिएट है चौधरी फैमिली के साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास रिलेशनशिप चौधरी के साथ सब खत्म हो गए हैं। दूसरी तरफ सोनाली और छुटकी वहाँ आते हैं इमली के इनविटेशन पर और कहते हैं कि बताओ क्या परेशान कर रहा है तुमको। इमली कहती है कि मैं तुम सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ और अगस्त्या और अन्नपूर्णा एक दूसरे के साथ में वापस आ गए हैं, उन दोनों के टर्म्स अच्छे हैं और इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। सोनाली कहती है कि अरे मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो कहती है कि सॉरी ये तो अगर तुम्हें बॉर्डर कर रहा था अगस्त्य और अन्नपूर्णा। तभी इमली कहती है, याद दिलाती है कि हाँ मैं भी अन्नपूर्णा को सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ और इसीलिए मैं उनके लिए बस बेस्ट चाहती हूँ। इधर दूसरी तरफ सोनाली इमली से कहती है कि चौधरी जो हैं वो हमेशा उनके बीच में एक ही फैक्टर कॉमन है कि वो स्वीट बहुत हैं और इसीलिए हम उनको यहाँ पर साथ मिला सकते हैं। बाद में अगस्त्या बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है ये सुनकर कि इमली चाहती है चौधरी को स्वीट्स पसंद है, वो भी लड्डू की रेसिपी बताते हुए। इमली कहती है कि हाँ मैं करण की गर्लफ्रेंड के लिए ये बनाना चाहती हूँ। अगस्त्या तभी रेसिपी लाता है और इमली को बताता है और कहता है कि अब तुम मेरे सवालों के जवाब दोगी कि पास में तभी तुम्हें रेसिपी मिलेगी। इमली रिप्लाई करती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती और ना ही मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ बता सकती हूँ। अगस्त्या उसे बहुत ज़्यादा शौक नज़रों से देखता है और कहता है इमली से कि मुझे एक बात बताओ, तुम और तुम्हारी बहन उस दिन रिवर में चले गए थे, तुमने बताया था, तब तो तुम बहुत यंग थी ना। तभी वो टॉन्ट करता है कि तुमने उसे मुझे यानी कि दूसरी तरफ से कहानी दिखाई है, ये फिल्म की दूसरी कहानी है, लेकिन मैंने मिस्टेक रियलाइज कर ली। और वो देखता है इमली रो रही है। इमली कहती है कि काकी माँ ने हमको बड़ा किया कुछ साल पहले तक और जब हम मामा मामी के पास आए तब वो पास अवे हो गई थी। बाद में इमली सोनाली और छुटकी यहाँ पर चीज़ों को बाहर ले आते हैं और लड्डू बनाने के लिए ब्लेंडिंग करने लगते हैं, लेकिन जो रेसिपी है वो सही से नहीं सुन पाते तो वो सारा कुछ ख़राब हो जाता है। अगस्त्या जो कि बालकनी से देख रहा होता है वो तभी आता है दौड़कर इमली के पास लड्डुओं को बिगाड़ने से बचाने के लिए। अन्नपूर्णा भी वहाँ आती है और इमली से कहती है कि तुम्हें लड्डू बनाने नहीं चाहिए थे अगर तुमको कुछ नहीं पता है। तो फाइनली इमली का जो प्लान है वो वर्क करता है। अन्नपूर्णा अगस्त्या की हारमोनी होती है, वो दोनों मिलकर के लड्डू बनाते हैं। थोड़े टाइम के बाद अन्नपूर्णा रियलाइज़ करती है कि वो तो अगस्त्या से नाराज़ थी और वो वहाँ से चली जाती है। इमली अन्नपूर्णा के सामने आती है और वो कहती है कि क्या आप एक बार उनको माफ़ नहीं कर सकती, इसमें गलती क्या है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल।